हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल से बनने वाले बहुत ही टेस्टी से नाश्ता, तो जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है ये दाल, और आजकल गर्मी है, गर्मी में इस तरह के नाश्ते जो है ना बहुत ही पसंद आएंगे सभी को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ना ओवरनाइट इसे सोक कर लिया था, आप देख सकते हैं। और अगर आपने मॉर्निंग में बनाना है तो आप नाइट में जो ये दाल है उसे सोक करके रख सकते हैं। तो मैंने एक कप लिया था, तो अब मैं क्या करूँगी, इसका पानी निकाल कर इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये दाल डाल देंगे। तो ये जो दाल है ना, दो बार में मैं पीसूंगी, क्योंकि मैं छोटे जार में इसे पीस रही हूँ, ये अच्छे से पीस जाएगी इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, करी लीव्स अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा, और साथ में मैं डाल दूंगी हरा धनिया। इससे क्या है, कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसे जो है हम अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल को मैंने पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च, हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा देगी मिर्च, और बहुत थोड़ा सा मैं हल्दी भी ऐड कर रही हूँ कलर अच्छा आने के लिए, और इसे मिक्स कर देंगे। तो इस रेसिपी के लिए मैं दो रेसिपी मतलब बनाऊंगी इसी बैटर से, तो दोनों मैं आपको दिखाऊंगी। और अब हम डाल देंगे नमक, तो नमक एज पर टेस्ट ही जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे मूंग दाल चीला, जो कि फटाफट से बनके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तवा चढ़ा दिया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, और इसी के साथ हम इसमें पानी थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि जो तवे का टेम्परेचर है वो डाउन हो सके, और इसे इस तरह से पोंछ लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में इस तरह से ये दाल डाल देंगे, और इसे हल्के हाथों से इस तरह से फैलाते चले जाएंगे, जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं उसी तरह से। तो आप जो है ना, मोटा पतला जैसा आपको पसंद हो वैसा जो है फैला सकते हैं। तो बस इसे इस तरह से अंदर से बाहर की ओर जो है फैलाते चलेंगे, तो बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं बनाएंगे हम लोग। तो बस इसी तरह से हम इसे फैला देंगे, और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा डाउन ही रखेंगे, ताकि जो है ये अच्छे से पक सके। तो फ्रेंड्स, जैसे ये ऊपर से सूख जाएगा तो हम इसमें जो है ऑयल लगा देंगे। तो आप बटर, घी और ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इसे पहले अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम सेक लेंगे, और ये खुद से पैन छोड़ने लगेगा, हमने तब तक इसे कुक करना है। तो फ्रेंड्स, हमने इसे 3 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पे पका लिया है, और देखिए ये किस तरह से पैन जो है छोड़ दिया है इसने। और मैं इसे एक बार ऐसे पलट के दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये बन के रेडी होता है, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें लगा दूंगी थोड़ा सा सेजवान सॉस, जो कि बच्चों को बहुत भाता है, पर ये चॉइस है आपकी, अगर आप इस तरह से बनाना चाहें, अदरवाइज आप इसको इसी तरह से खा सकते हैं दही के साथ, सॉस के साथ, ये अपने आप में वैसे भी कंप्लीट ही है। तो इस तरह से हम इसमें सारी जगह जो है
सॉस जो है लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता बनके रेडी होता है। आप इसे वैसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूंगी थोड़े से प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर। ये सब्जियां जो है पूरी तरह से ऑप्शनल है। थोड़ा सा बीटरूट, आप पनीर भी डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह से कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ये थोड़ी सी मेरे पास वेजेस थी तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। और टमाटर डाल दिया है, और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे थोड़े सा काली मिर्च, थोड़ा सा साल्ट सब्जियों के पर्पस के हिसाब से, बस थोड़ी सी लाल मिर्च, आपको जो मसाले पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, लाल देगी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला। और अब क्या करेंगे, इसे जो है इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा नाश्ता है बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस। आप पनीर भी डाल सकते हैं, टोफू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जियां आपके पास हो वो ऐड कर सकते हैं, या फिर बिना सब्जियों के भी इसे जो है बना सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम हमारा दूसरा वाला भी बना लेंगे। आपको जितने बनाने हो आप इसी तरह से बना सकते हैं। इसे भी हम फैला देंगे इस तरह से हल्के हाथों से। तो आपको छोटे बड़े जैसे बनाने हो आप बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। ये देखिए मैं किस तरह से हिला रही हूँ इसमें ये लैडल को, और इसे पहले की तरह ही हम सिकने देंगे। तो ये सूख गया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप घी बटर जो पसंद करते हैं आप लगा सकते हैं। और इसे जो है इस तरह से हम चारों तरफ से सेक लेंगे बढ़िया से। तवे को रोटेट कर देंगे ताकि ये इवनली जो है ना हर तरफ से कुक हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से ये जो पैन है वो अपने आप ही इसको छोड़ रहा है। ये देखिए जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा, नीचे से क्रिस्प होगा तो ये पैन अपने आप ही छोड़ता चला जाएगा। ये देखिए अपने आप ही पैन छूट जाता है। और इसे भी हम एक बार इस तरफ से पका लेंगे। और वापस से हम उसी तरह से जो है शेजवान सॉस लगा देंगे इसमें। आप सादा भी ले सकते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया लगता है। इस तरह से हम इसमें लगा देंगे और इसे भी फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये भी हमारा तैयार है, इसे भी हटा देते हैं और चलते हैं दूसरे टाइप का नाश्ता बनाने की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने मूंग दाल चीला बनाया है, आप इसे डोसा भी कह सकते हैं, चीला भी कह सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग हेल्दी रेसिपी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इससे बना देंगे पैनकेक। तो पैनकेक बनाने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से टमाटर, ग्रेट किया हुआ बीटू। तो मैं सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी मिला रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाजर, थोड़े से प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया। तो नमक हमने पहले ही मिला दिया था। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो मसाले हमने पहले ऐड कर रखे हैं इसमें, तो अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो आप अपने पसंद की कोई भी वेजेस जो है इसमें डाल सकते हैं, कैबेज डाल सकते हैं, या आप गोभी को ग्रेट करके डाल सकते हैं, जो सब्जियां आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। पर इसे जो है ना बहुत पतला नहीं करना होता है, तो वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब ये हमारा बैटर तैयार है, अब फटाफट से हम हमारे पैनकेक्स बना लेते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं।
तो वापस से मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दूंगी, और जितने बड़े छोटे आपको बनाने हैं उतना बैटर आप जो है इसमें डाल सकते हैं। तो मैं बहुत बड़े नहीं बनाऊंगी, थोड़े छोटे ही बनाऊंगी। इस तरह से हम एक बार में जितने आ सकते हैं उतने डाल देंगे। बड़ा तवा हो तो आप एक ही बार में ये सारा बना लेंगे, 5 से 6 बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार में 4 बनाए हैं, और इसे जो है अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो अभी हम इसे फ्लिप नहीं करेंगे जब तक ये नीचे से अच्छे से पक नहीं जाता। तो गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। तो फ्रेंड्स, ये एक तरफ से सिक गए हैं, और इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा और ऑयल। तो आप यहाँ भी बटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो। और अब इसे हम पलट देंगे, तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं ये, और अच्छे से ये सिक जाते हैं। तो हम दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेंगे बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव सा बना देते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा शेजवान सॉस ले लूँगी, और इसे इस तरह से फैला देंगे। और यहाँ मैं रख दूंगी चीज़ स्लाइस, जिसे कि मैंने कटर से गोल गोल से काट लिए हैं। तो मैं 2 आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप जैसा भी बना लें। और इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, थोड़ा सा डालूंगी ओरिगैनो, जो कि देखने में खूबसूरत लगेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरह से आप डेकोरेट करके दे सकते हैं, या फिर इस तरह से सिंपल और प्लेन भी दे सकते हैं। तो मैं आपको ये फ्लिप करके दिखा देती हूँ किस तरह से, ये देखिए नीचे से भी ये सिक गए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं लगते हैं, अच्छे से हमने इसे सेक लिया है। और इन्हें हम निकाल लेंगे, और इसे मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इसे हटा लेते हैं, ये जो हमारी चीज़ है वो थोड़ी मेल्ट हो गई है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे छोटे छोटे से पैनकेक हैं मूंग दाल के, वो भी रेडी हैं। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। इन्हें आप बच्चों को ज़रूर बनाकर दीजिए, चाहे बड़ों को दीजिए, सभी को पसंद आने वाली है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, एज अ स्नैक्स, कभी भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।